दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं विकासशील सिरप के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको विकासशील सिरप के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि ये सिरप किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए जानते हैं विकासशील सिरप के बारे में। तो इससे पहले अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे नई वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं विकासशील सिरप के बारे में कि किस में काम आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें साल्ट क्या क्या मिलाया गया है, इसका जो कंपोजिशन है इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी इसमें मिलाया गया है। यह सिरप 120 ml में आता है और 120 ml का जो MRP है ₹36 इसका MRP है और मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे इस सिरप को आप आसानी से ले सकते हैं और लेने से पहले आप इसका एक्सपायरी डेट एक बार आप ज़रूर देख के ले। तो आइए जानते हैं विकासशील सिरप किस में काम आता है, किस में प्रयोग किया जाता है। यह विकासशील सिरप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के वजह से मुंह में छाले होते हैं, इसलिए विकासशील मुंह के छालों के लक्षणों से राहत में मदद करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो या वीकनेस की समस्याएं हैं तो वहां पे भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को पूरा करने में ये मदद करता है और उसके साथ साथ में भूख बढ़ाने का भी काम करता है। इसको कैसे प्रयोग किया जाता है आइए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों को अगर देना है तो आप 5 ml बच्चों को दिन में 2 से 3 बार इस सिरप का प्रयोग करवा सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार अगर बच्चा 1 साल 5 साल तक का है तो आप 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार प्रयोग करवा सकते हैं। अगर आप 5 साल से 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है तो आप इस सिरप को 10 ml प्रयोग कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका ज़्यादातर कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप है। अगर आपके सामने अगर कुछ भी समस्याएं हो रही है, जैसे इचिंग होना, मतली आना, चक्कर आना, सर दर्द होना, अगर ये समस्याएं आ रही है सिरप को पीने से, तो इस सिरप को आप तत्काल बंद करें और बंद करने के बाद अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस सिरप का आप प्रयोग करवा सकते हैं। सिरप ज़्यादातर बच्चों में प्रयोग किया जाता है। अगर एलर्ट अगर विकासशील को लेना चाहते हैं तो इसका विकासशील कैप्सूल आता है, विकासशील कैप्सूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार सुबह शाम कैप्सूल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे नई वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।